आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाले बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े। इसी के साथ बनाएंगे एक बहुत ही लाजवाब चटनी। यकीन मानिए, ये जो कॉम्बिनेशन है पकोड़े और चटनी का, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार बनाकर इसे जरूर ट्राई करें, और यकीन मानिए, एक बार बनाया तो बार बार बनाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आप सभी का रेसिपी अड्डा बाय मेघा पर स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप समर राइस को 1 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। तो समर राइस काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, अच्छे से इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जिस पानी में हमने समर राइस को भिगो कर रखा था उस पानी को फेंक देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने समर राइस का सारा पानी फेंक दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये आधा कप साबुदाने को लगभग 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो साबुदाने भी काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, ये पूरी तरह से गल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो साबुदाने और समर राइस हमने भिगो कर रखे हैं, इन दोनों को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पकोड़े और चटनी का कॉम्बिनेशन मैं आज बना रही हूँ, ये बहुत ही आसान है बनाने में, काफ़ी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है, टेस्टी भी है। तो जब भी आप जल्दी में हो, आपके पास बहुत कम टाइम हो, तो आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च, 1 इंच जितना छीला हुआ अदरक का टुकड़ा। तो अगर आप व्रत में अदरक नहीं इस्तेमाल करते हैं तो अदरक को स्किप कर दें। 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसके बाद इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस तैयार पेस्ट को बड़े साइज के बॉल में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को पहले से ही उबाल कर उनका छिलका उतार दिया था। तो अब हम इन आलू को, ये जो हमने अभी पेस्ट बनाया है साबुदाने और समर राइस का, इसमें ऐड करेंगे। तो कद्दूकस करके ऐड करेंगे ताकि आलू के चंक्स ना रहें और पकोड़े बढ़िया बन के तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक जो भी आप व्रत में इस्तेमाल करते हैं स्वाद के अनुसार ऐड कर दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से, और उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे। तो ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे, मीडियम हॉट रखेंगे ऑयल का टेम्परेचर। उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा बैटर का पोर्शन लेंगे और ऑयल में ऐड करते जाएंगे। तुरंत चलाएंगे नहीं, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई होने देंगे। जब पकौड़ियाँ अपने आप ऊपर इस तरह से तैरने लगे तब हम इनको चलाएंगे। अब हम इन पकौड़ियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पकौड़ियाँ अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी, ऊपर से क्रिस्प बनेंगी और काफ़ी बढ़िया इन पर कलर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, अच्छा सा कलर इन पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारी पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की भी पकौड़ियाँ इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़ियाँ बन के तैयार है, अब हम क्या करेंगे कि चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 कप जितना हरा धनिया, 4 टेबल स्पून दही, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच जितना छीला हुआ अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा नींबू का रस, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 2 से 3 टेबल स्पून पानी। अब हम इन सभी चीज़ों को बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी चटनी बन के तैयार है। अब आप इस चटनी को गर्मा गर्म पकौड़े के साथ खाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।